पहले खाया आपने कभी? पहले कभी ट्राई नहीं करा। कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। आप देखिए भाई, ये जो है कुल्लड़। ओहो हो, क्या बात है, गजब। तो जी आज हम पहुंच चुके हैं NIT5 मार्केट फरीदाबाद में, और यहाँ पे जो है मदर और सन जो है बहुत ही अमेजिंग सी अलग सी डिश बेच रहे हैं। कोई नमस्कार जी। नमस्कार। तो मेरे को बताएंगे जरा कुछ कैसे क्या बेच रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। हम यहाँ पे बेच रहे हैं पूरे फरीदाबाद में जो नहीं मिलता वो है कुल्लड़ पिज्जा। कुल्लड़ पिज्जा? हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। तो इसकी मतलब शुरुआत कैसे हुई बेसिकली? सर शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ ही टाइम पहले मेरे फादर नहीं रहे, तो उनका जो बिजनेस था वो एकदम से बंद हो गया। तो था कि कुछ तो करना ही है और कुछ ऐसा लेकर आना है कि मतलब जो कुछ जो हमारे फरीदाबाद में तो ना मिलता हो। ग्रेजुएट हूँ, जॉब भी कर सकता था, लेकिन अपना ही कुछ स्टार्ट करना था। अच्छा, आप ग्रेजुएट भी हैं? हाँ जी। ओके। अपना ही कुछ स्टार्ट करना था, इसीलिए देखा कि हाँ भाई कुल्लड़ पिज्जा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ट्रेंड में है लेकिन हमारे फरीदाबाद में नहीं है। तो तभी हमने यहाँ पे कुल्लड़ पिज्जा स्टार्ट किया, तो इसलिए इस कुल्लड़ पिज्जा की शुरुआत हुई है। हाँ जी। देख लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे काफी सारे कुल्लड़ जो है रखे हुए हैं। तो कुल्लड़ पिज्जा की शुरुआत करी जाए, कैसे बनाते हैं आप एक बार दिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो भाई पहले देख लेते हैं, ये डाल रहे हैं, ये बटर डाल रहे हैं अमूल का। अच्छा, ये अनियन भी जाएंगे। हाँ जी। ये स्टफिंग जो बना रहे हैं कितने कुल्लड़ पिज्जा की बन रही है? ये फोर कुल्लड़ पिज्जा की बन रही है। अच्छा, फोर की बन रही है। अच्छा, इसमें कॉर्न भी जाते हैं? हाँ जी। क्या बात है, मतलब मजा आ जाने वाला है। ये आगे जी कैप्सिकम, शिमला मिर्च यहाँ पे आ चुकी है, और साथ में अब इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करते हैं। प्रिपरेशन जो है पूरी अमूल बटर में ही होती है। आप देखिए भाई, अमूल बटर के अंदर जो है फ्राई किया जा रहा है सारा मामला। जैसा कि इन्होंने बताया कि आंटी जी भी पूरी हेल्प करवाती हैं कटिंग चॉपिंग वॉपिंग में। तो पनीर आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए भाई, पनीर भी डल चुके हैं और काफी टेस्टी होने वाला है, मतलब बढ़िया होने वाला है। ये कौन सी सॉस डाल रहे हैं? पिज्जा पास्ता सॉस डाल रहे हैं। पिज्जा पास्ता सॉस भी यहाँ आ चुकी है, और ये मेयोनीज। ओके, मेयोनीज भी मैंने देखा जब इन्होंने डाला, अभी बाकी डालते हैं आप। हाँ जी। ये क्या है? तंदूरी मेयोनीज। तंदूरी मेयोनीज। हाँ जी। तो भाई कुल्लड़ पिज्जा की ये रेसिपी है, और काफी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, साफ सुथरे तरीके से। और आप देखिए सारी चीज जो है थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसको जो है ये मिक्स कर रहे हैं बढ़िया से। ओके, तो मतलब पिज्जा तो बेसिकली एक ब्रेड टाइप की नीचे होती है, वो कैसे करते हैं फिर? इसमें हम पाव यूज करते हैं। अच्छा, एज अ बेस एज अ पाव यूज करते हैं इसमें। तो इसमें जो है ये बता रहे हैं ब्रेड के लिए जो बेस है जो पाव का यूज किया जाता है। क्या डाल रहे हैं आप? इसमें हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स भी आ चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई, और साथ में ओरिगैनो। ओरिगैनो मतलब एकदम टेस्ट वैसे ही आएगा पिज्जा जैसे ही? हाँ जी, उससे अच्छा ही आएगा। अच्छा, उससे बेटर आता है क्या? इटालियन टेस्ट को इंडियन तरीके से बनाया जा रहा है। हाँ जी। तो भाई ये जैसा कि ये बता रहे हैं कि टेस्ट जो है उससे बेटर आएगा। आप ये देखिए ऑलरेडी जो है इनकी टॉपिंग टाइप ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है, पनीर कैप्सिकम प्याज वगैरह कॉर्न वॉर्न डाल के सब बटर में बढ़िया से। अब जो है मेन काम जो है बेस इसको कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो ये आगे जी पाव, एक कुल्लड़ में एक पाव जाता है? एक तो जाता पूरा, लेकिन अच्छा, काफी चला जाता है। अच्छा, इसको ऐसे आप तोड़ तोड़ के इसमें डालते हैं? हाँ जी। बहुत शानदार। तो ये देखिए आप, जो पाव हैं इन्होंने पूरे जो है पीसीज में डाल दिए हैं, जिससे कि जो भी बाइट ले वो उसमें ब्रेड भी आए, सॉसेस भी आए, और सारी सब्जियां भी मुंह में आए, जिससे पूरा जो है फ्लेवर जो है बढ़िया से आए। ये देखिए मिला दिया गया है इसको बढ़िया से। तो ये आपने कहाँ से बनाना सीखा? ये मैंने एक वीडियो देखी थी जलंधर से जो वायरल। अच्छा, जो कपल जो वायरल हुए थे, सिर्फ एक वीडियो देखी तो आइडिया हुआ कि कैसे बनाना है। हाँ जी, ट्राई किया, बन गया। मैंने खुद आज तक नहीं खाया। अच्छा, खाया नहीं है कभी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, खाते क्यों नहीं हो? पर नहीं, लेकिन मेरे को, मैंने कभी खाया नहीं, अपने हाथ का बना भी नहीं खाया। नहीं, अरे लेकिन मुझे हमेशा फीडबैक बहुत अच्छा मिला है कि बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो भाई लोकेशन भी मैं बता दूं, ये NIT5 की मार्केट है, और कुछ फेमस है यहाँ पे कोई चीज? ये समीर जूस सेंटर है, उसके ठीक नीचे।
तो हो चुका है तैयार, अब क्या किया जाएगा? अब इसको कूलर में डाला जाएगा। ठीक है, डालिए। कूलर काफी बड़े हैं आपके? हाँ जी, जनरली लोग पतले वाले रख लेते हैं। हाँ जी। तो ये जो टॉपिंग जो है सारी इसमें डाली जाएगी भाई, ये देख लीजिए आप, इस तरीके से इसको डाला जाता है कुल्लड़ में। अब इसके बाद क्या किया जाएगा? लिक्विड चीज। अच्छा, लिक्विड चीज है ये? हाँ जी, ये आ गया जी लिक्विड चीज। साथ में फिर रॉ टॉपिंग। अच्छा, कोशिश आप ये करते हैं कि हर स्पून में ब्रेड भी आए हैं। हाँ जी, बहुत शानदार। भाई काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, आप लोग रंगत चेक ही कर सकते हैं, खुद ही आंखों से देख सकते हैं। तो इसमें चीज कहाँ जाएगा? अब इसमें चीज ऊपर आएगा। अच्छा, ऊपर आएगा। ये है मोजरेला चीज़ है? हाँ जी, डाइस मोजरेला चीज इसके ऊपर डाला जाएगा। ये देखिए भाई, क्या बात है। इसमें थोड़ा ऐसे नहीं कर सकते आप चीज, मतलब बीच? अच्छा, आपने लिक्विड चीज डाल दिया था। हाँ जी। तो पूरे में फ्लेवर आ जाएगा, बहुत शानदार। ये तैयार हो गया है एक, और ये तैयार हो रहा है दूसरा। तो भाई ये तैयार हो चुका है हमारा कुल्लड़ पिज्जा, तैयार नहीं हुआ है मतलब ऑलमोस्ट, बस बेक होना बाकी है। हाँ जी। बेक किस में करते हैं आप? कभी कभार हम हैंड गैस भी यूज करते हैं और अच्छा, कभी हम माइक्रोवेव भी करते हैं। बढ़िया, किस में बनता है? दोनों का अलग टेस्ट है। ये दो तरीके से जो है ये कुल्लड़ पिज्जा बनाते हैं, एक ये हैंड रोस्ट करते हैं। ये क्या चीज होती है? ये हैंड सिलेंडर है। हैंड सिलेंडर? हाँ जी। और एक माइक्रोवेव करते हैं। तो आंटी एक तो आप माइक्रोवेव में डाल दीजिए, दोनों का देखेंगे कैसा फ्लेवर आता है। और ये देखिए भाई, कुल्लड़ पिज्जा जो है तैयार हो रहा है। मैं अच्छा, पहले कुल्लड़ भी गर्म किया जाता है। हाँ जी। बहुत शानदार। और दूसरा वाला जो है हमारा माइक्रोवेव में जा चुका है। आप देखिए भाई, ये जो है कुल्लड़, ओहो हो, क्या बात है, गजब। मतलब पूरा फ्लेवर आएगा कुल्लड़ का? बिल्कुल भैया। और सूखी फ्लेवर जो है इसका अलग आएगा भाई, जबरदस्त आएगा, मजा आ जाने वाला है आपको। बहुत शानदार। तो तैयार है? ये देखिए भाई, कुल्लड़ पिज्जा तैयार हो चुका है, बढ़िया से गर्म हो चुका है। और अब इसको करेंगे, ये पकड़ा कैसे जाएगा? गरम तो बहुत होगा। अभी हम आपको इसको टिश्यू से पूरा कवर करके देंगे। अच्छा, पूरा रेडी करके देंगे। हाँ, आप माइक्रोवेव वाला भी हमारा तैयार हो चुका है, निकाल दीजिए। ये देखिए, इसमें तो पूरा चीज भी सब बाहर आ गया। ये पूरा चीज से लोड होता है ना, इसलिए। हाँ जी। अच्छा, ये ऐसे ही बनता है माइक्रोवेव में? हाँ जी। मतलब अंदर भी खाओ और बाहर भी चाट के खाओ। अब क्या डाल रहे हैं आप इसके ऊपर? ओरिगैनो। ये आ गया जी ओरिगैनो, कौनों पे जाएगा? इसमें थोड़ा सा चीज जो है रोस्ट भी हो जाता है। हाँ जी। माइक्रोवेव में जो है सिर्फ पिघलता है। चिली फ्लेक्स। ये आगे चिल्ली फ्लेक्स। तो जी भाई, चम्मच भी आ चुकी हैं और अब बारी आती है टेस्टिंग की। ये देखिए, अभी भी जो है, जो इन्होंने स्मोक करके बनाया है, वो अभी भी चीज जो है खोल रहा है। तो टिश्यू से पकड़ना है इसको बेसिकली। हाँ, है ठीक है। तो यहाँ पे जो है कस्टमर्स काफी खा रहे हैं कुल्लड़ पिज्जा, और फरीदाबाद में फर्स्ट टाइम मिलता है। पहले खाया आपने कभी? पहले कभी ट्राई नहीं करा। कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग, बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे जो जतिन जो है पिज्जा बहुत खाता है, तो आज इसको ही खिलाएंगे हम कुल्लड़ पिज्जा। भाई ये देख रहे हो? ओए होए होए भाई, जबरदस्त। ये देखिए आप, कितना ज्यादा सॉलिड लग रहा है मामला। कुल्लड़ पिज्जा भाई कैसा है टेस्ट में ये बताओ। पिज्जा से ज्यादा अच्छा है, सही बता। पिज्जा से ज्यादा टेस्टी है? ज्यादा बढ़िया है। क्या बात है। तो भाई जैसा भैया ने बोला था, पिज्जा से ज्यादा टेस्टी है।
और ब्रेड व्रेड आ रही है मुंह में? नहीं आ रही। हाँ, पाव है ना ये रहा। अच्छा, पुल देखो आप कितना जबरदस्त है, चीज पुल बढ़िया है, बढ़िया है। तो भाई मैं लोकेशन एक बार भैया से पूछ लेते हैं, भैया लोकेशन बता दो अपनी। ये NIT5 मेन मार्केट। हाँ जी, ये समीर जूस सेंटर, या फिर आप ईट एंजॉय की लोकेशन लेकर भी आ सकते हैं। पिज्जा जो है काफी अच्छा है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।